नमस्कार दोस्तों, मैं अमन चौरसी आपके लिए लेकर आए हैं ए टू जेड टेस्ट सीरीज का 2.0 यानी दूसरा वर्जन। दोस्तों ठीक है, दूसरे वर्जन में अपन क्या देख रहे हैं, 121 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों हमारी ए टू जेड टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत सी आपने देखे होंगे यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं या यूट्यूब पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी के हों चाहे अदर सिटी के हों, सब कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इस टीचर की कॉपी पेस्ट कर लिया, सीबीसीडी का पेपर लिया, उसे सॉल्व कर दिया, स्वयं मेहनत करना नहीं जानते। लेकिन हम दोस्तों आपके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक एक ऑप्शन का क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, बारीकी से हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक बार हमारी ए टू जेड टेस्ट जो भी बच्चा लगा लेगा उसे कंप्यूटर में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 121 नंबर का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम कितनी स्केल परसेंटेज होती है, 100, 80, 55 और 1200। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1200 दोस्तों। ठीक है, 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कैरेक्टर का अधिकतम फॉन्ट साइज होता है 1638, 16272। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1638। ठीक है, और जे अपन कैरेक्टर का फॉन्ट साइज शॉर्टकट की के द्वारा ला सकते हैं, और मिनिमम कितना होता है 1, मैक्सिमम कितना होता है 1638। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसर्ट पिक्चर में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, चार्ट, ग्राफ, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, क्या नहीं होता है, ग्राफ नहीं होता है दोस्तों, क्या नहीं होता है, ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पेज साइज है, ठीक है, A4 साइज, लीगल साइज, लेटर साइज, ये सभी जैसा भी पेज का ही साइज है। ठीक है, पेज के नेम है, A4 साइज अपन जो जनरली यूज करते हैं, लेटर और A4 साइज का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुलेट्स और नंबरिंग किस मेन्यू में होते हैं, ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू, एडिट मेन्यू, फाइल, इंसर्ट। ठीक है, अब जहां पर मेन्यू की बात आ जाती है दोस्तों, समझ लेना आपका माइंड एक ही जगह जंप करेगा, 2003 वर्जन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, और बुलेट्स एंड नंबरिंग 2007 में कहां मिलेंगे, होम टैब में, कहां पर मिलेंगे दोस्तों, होम टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में थिसेरस का यूज होता है, ग्रामर, स्पेलिंग, एनबी बोथ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, इसकी शॉर्टकट की होती है, क्या होती है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F7, क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7, इसका यूज करते हैं पर्यायवाची शब्द देखने के लिए, सिनोनिम्स देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। 2007 में रिव्यू टैब में मिलता है और 2003 में टूल्स मेन्यू में मिलता है दोस्तों, और इसकी इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट तथा राइट मार्जिन का साइज होता है, ठीक है, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.75 इंच, 2.5 इंच। ठीक है, कितना होगा, 1.25 इंच। ठीक है, और टॉप बॉटम का 1 इंच रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रॉप कैप्स में कम से कम कितनी लाइन पर ड्रॉप कर सकते हैं, 1, 4, 5, 3, तो मिनिमम 1 रहती है दोस्तों। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 3 मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट किस मेन्यू से बदलेंगे, फॉर्मेट, पैराग्राफ टूल्स, पेज सेटअप, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, पेज सेटअप, क्योंकि वर्टिकल अलाइनमेंट यानी टॉप बॉटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑटो करेक्ट के ऑप्शन का यूज होता है, ये आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों 2014 में एमपीआई कोर्ट में आया था। ऑटो करेक्ट ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है, ठीक है, तो इसका आंसर था टूल्स मेन्यू। अब जो क्वेश्चन किस तरह से दिखाई दे रहा है, ऑटो करेक्ट के ऑप्शन का यूज है, नंबर 1 रिलेटिव वर्ड, नंबर 2 करेक्ट द ग्रामर, नंबर 3 करेक्ट रॉन्ग स्पेलिंग, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अपनी जो गलत स्पेलिंग होती है उसको ऑटोमेटिक क्या करता है, सही करता है, इसलिए यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेलिंग टूल कहाँ होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, ड्रॉइंग में, इनमें से कोई नहीं, तो कहां पर मिलेगा दोस्तों, स्टैंडर्ड टूल बार में। ये भी क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, किस वर्जन की, 2003 वर्जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्राफ को किस मेन्यू से जोड़ सकते हैं, एडिट पिक्चर, फाइल पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर और व्यू पिक्चर, तो हमारा क्या रहेगा, इंसर्ट पिक्चर। ठीक है दोस्तों, और अपना जो क्वेश्चन 2007 में भी पूछा जाएगा तब भी यही आंसर रहेगा, इंसर्ट एप, इंसर्ट एप से पिक्चर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसका संबंध टेस्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस, मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, टेस्ट स्पेसिंग, तो किसका नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस का नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्च ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं, कैरेक्टर, सिंबल, फॉर्मेट, ये सभी, तो आंसर क्या होगा,
ये सभी अपन क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटस बार में डिस्प्ले होने वाला ऑप्शन है, स्टेटस बार में क्या डिस्प्ले होता है, पेज नंबर, कॉलम नंबर, लाइन नंबर, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवेज वेब पेज मेन्यू में आता है, किस मेन्यू में आता है, फाइल में, एडिट में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइल मेन्यू में आता है दोस्तों। कहां पर आता है, फाइल मेन्यू में, या सेवेज वेब पेज। ठीक है, और 2007 में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू में आता है, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो ये भी कहां पर आएगा, फाइल मेन्यू में। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F2। क्या होती है, Ctrl+F2। और प्रिंट प्रीव्यू 2007 में कहां पर आएगा, ऑफिस बटन पर। कहां पर, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन की शॉर्टकट की Alt+F, फाइल मेन्यू की शॉर्टकट की Alt+F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेलिंग ठीक करने का बटन है, नंबर एक बी, नंबर दो ABC पर राइट का सिंबल बना हुआ है, और एक आपका डायग्राम बना हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट ऑल कमांड किस मेन्यू में आती है, ठीक है, फाइल में, एडिट में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में। तो कहां पर मिलेगी, एडिट में, सिलेक्ट ऑल। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+A। ठीक है, और सिलेक्ट ऑल 2007 में होम टैब के राइट साइड में, सिलेक्ट, सिलेक्ट से सिलेक्ट ऑल, उसकी भी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+A होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन होता है हाइपरलिंक का, डेट एंड टाइम का, ब्रेक का, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। जो स्टूडेंटों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।